पूर्णा में एक रोड शो होगा, वहां से वो पटना के लिए निकल जाएंगे। आज दोपहर का भारत जोड़ो न्याय यात्रा नहीं होगा, पर कल से शुरू पहले जो तय किया गया था उसी कार्यक्रम के अनुसार हम शिवपुरी में भारत जोड़ो न्याय यात्रा करेंगे। 50वां दिन है और थोड़ा परिवर्तन आया है क्योंकि राहुल जी को पटना जाना पड़ा है। रैली है, बड़ा ऑपोजिशन रैली है और राहुल जी अभी 11:30 बजे पटना के लिए रवाना होंगे। पर आज सुबह का कार्यक्रम अभी अग्निवीर के संबंध में एक बातचीत होगी और उसके बाद मोहना में एक रोड शो होगा, वहां से वो पटना के लिए निकल जाएंगे। आज दोपहर का भारत जोड़ो न्याय यात्रा नहीं होगा, पर कल से शुरू पहले जो तय किया गया था उसी कार्यक्रम के अनुसार हम शिवपुरी में भारत जोड़ो न्याय यात्रा करेंगे। पटना से एक बड़ी ज्वाइंट रैली जो एक तरीके से तेजस्वी यादव भी और सुनायक अखिलेश यादव भी वहां पे आएंगे, बिल्कुल, और कांग्रेस अध्यक्ष भी मौजूद होंगे, राहुल जी भी रहेंगे और ये एक विशाल रैली है। एक तरीके से कहा जा सकता है ये इंडिया रैली हो। पटना में कल प्रधानमंत्री भी गए, नीतीश कुमार भी थे वहां पर, बड़ी हंसी का माहौल भी बना। उन्होंने कहा इधर उधर नहीं जाऊंगा, अब यहीं रहूंगा अब के लिए। अब के लिए पर वो तो चले गए ना, जो पलटी करना था पलटी कर दिया। अभी भविष्य में क्या करेंगे वो खुद ही जाने, पर इंडिया गठबंधन मजबूत है। हमारे जो सीट शेयरिंग की बातचीत चल रही है सही ढंग से गया है, एनसीपी के साथ महाराष्ट्र में, आम आदमी पार्टी के साथ, डीएमके के साथ तो चल ही रहा है, अंतिम रूप दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, उत्तर प्रदेश में हमने उसकी घोषणा भी कर दी है। जयंत चौधरी ने कल विधिवत तौर पर एलडी, नहीं वो तो जयंत चौधरी का आरएलडी जो है वो नकली एलडी है, असली एलडी तो हमारे साथ है। हमने देखा अलीगढ़ में असली एलडी था जो पुराना लोकदल था, और जो होर्डिंग थे भारत रत्न चौधरी चरण सिंह और इंदिरा जी के होर्डिंग थे, जो पब्लिसिटी मटेरियल था, वहां जो लोकदल के कार्यकर्ता थे वो अपने आप को असली लोकदल मानते हैं, ये तो नकली लोकदल है। ममता से बात कब बनी? बातचीत चल रही है, थोड़ा स्थगित है, कभी शुरू होता है कभी स्थगित हो जाता है, पर हम अभी भी उम्मीद करते हैं कि कुछ ना कुछ बीच का रास्ता निकाला जाएगा। आखिरी सवाल सर, सीटें कल अनाउंस कर दी, 195 सीटें वो बीजेपी की सीटें, 33 एमपी जो है, ठीक है वो बीजेपी के अंदरूनी मामला है, हमें क्या लेना देना है, हमें अपना काम करना है, उनको अपना काम करना है। बारिश आ रही है यार, और ये लोग 33 एमपी जो है उनकी टिकट काट दी, इसको कैसे देखते हैं और आप लोगों की टिकट? नहीं, मैं देखिए वो उनके उम्मीदवार कितने काटेंगे, कौन नए चेहरे आएंगे, वो उनका मामला है, वो मुझे मेरे से कोई लेना देना नहीं है। हमारी जो रणनीति है, हमारी जो तैयारी है, हमारी जो सीटें की घोषणा करने वाले हैं उससे मैं ताल्लुकात रखता हूं, और जब अंतिम रूप दिया जाएगा मैं समझता हूं हमारी भी सीटें की घोषणा हो जाएंगे।